हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको दिखाते हैं ग्रैंड अराइवल ऑफ वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि मेरे पीछे आ रही है। आप देख रहे हैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे, सहरसा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली। वाह, क्या नज़ारा है। पहले इसको देखिए, फिर मेरे ब्लॉग को देखिए। दिस इज माई फेवरेट ट्रेन फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड। यस, तो ये रहा ग्रैंड अराइवल ऑफ सहरसा टू न्यू दिल्ली इन देवरिया सदर वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। अब मैं ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु, वेलकम्स यू ऑल ऑन माय चैनल रेल टेल। आज मैं अचानक निकल गया बनारस के लिए, और आज की जो ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 12166, गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं यूँ ही निकल गया हूँ, और आज मैं आप सबको दिखाऊंगा इस ट्रेन से स्कीपिंग स्पेशल वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन का गोरखपुर से बनारस तक का जो स्टॉपेज है बस दो जगह है, वो है देवरिया और मऊ। मैं इस ट्रेन को बोर्ड कर रहा हूँ देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से, और आप अभी देख रहे हैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन का झलक, और हमारा प्यारा लहराता हुआ तिरंगा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आ रही है। वाह, क्या नज़ारा है, हमारा प्यारा तिरंगा, जय हिंद। इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं देवरिया से बनारस सिर्फ 3 घंटा 30 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन की जो स्टॉपेज है सिर्फ मऊ है, तो आपको मैं दिखाऊंगा स्कीपिंग स्पेशल ब्लॉग रहेगी ये। देवरिया सदर में लगी हुई प्लेटफॉर्म पे कोच गाइडेंस सिस्टम बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये देखिए, मेरा ट्रेन नंबर और मेरी जो बोगी है S2 वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, और बगल से पास कर रही है सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली क्लोन हमसफर स्पेशल ट्रेन, और ये आ गई मेरी ट्रेन रत्नागिरी सुपर फास्ट पावरफुल लोकोमोटिव WAP 7 के साथ। मैं पहुंच गया अपने बोगी के पास जो कि है S2, और जैसे ही इंटर किया मैंने, ये देखिए दोनों साइड लगी हुई स्टील की ऊपर की सीटों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी, और इंटीरियर की बात करूँ तो वही स्लीपर की जो होती है, अपर मिडिल लोअर साइड लोअर साइड अपर, बीच में सॉकेट भी है, और मैं अपना सामान रख दिया यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं अहमदाबाद से गोरखपुर जाने वाली अहमदाबाद गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस का अराइवल देवरिया सदर में। हमारी ट्रेन खुल चुकी है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से, आप एंजॉय कीजिए सांडा डिपार्चर। ट्रेन का स्टॉपेज भटनी जंक्शन पे नहीं है, बट स्लो हो गई है, लग रहा है कि रुक जाएगी, शायद क्रॉसिंग है किसी ट्रेन का। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है, किसकी क्रॉसिंग होने वाली है अभी। तो भटनी जंक्शन पे काशी एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर गोरखपुर को जाती है, उसकी क्रॉसिंग थी, उसके चलते इस ट्रेन को रोकना पड़ा, क्योंकि इस ट्रेन की स्टॉपेज यहाँ थी नहीं। ओके, बाय बाय भटनी जंक्शन।
हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बेलथरा रोड स्टेशन पे। यहां भी इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, बट उधर से आ रही है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर छपरा को जाने वाली गोदान एक्सप्रेस। इसके लिए इस ट्रेन को यहाँ रुकना पड़ा और अब ये ट्रेन खुल चुकी है। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा सनसेट का नज़ारा। इस ट्रेन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस ट्रेन में क्लीननेस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। आप अभी देखेंगे स्वीपर्स आ रहे हैं और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से चेक क्लीन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज के द्वारा। अपनी ट्रेन लग रही है मऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। मऊ जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है गोरखपुर बनारस रेल खंड का। इसका स्टेशन कोड है MAU और यहाँ पे डेली 74 ट्रेनों का स्टॉपेज है और यहाँ से डेली 8 ट्रेन ओरिजिनेट भी करती है। हमारी ट्रेन खुल चुकी है मऊ स्टेशन से और आप देख रहे हैं इस ट्रेन का शानदार डिपार्चर। तो अब आइए देखा जाए साफ सफाई कैसा है। वैसे अभी हम जस्ट देखे हैं कि स्वीपर्स लगे थे साफ सफाई में। नीचे डस्टबिन है, बेसिन ठीक है, पानी भी आ रहा है, रोड ठीक ठाक है। क्वीन बोगी थोड़ी सी पुरानी हो गई, मेंटेनेंस की जरूरत है इस बोगी को। और अंदर आगे वॉशरूम में देखिए बेसिन है, मिरर साफ है, लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट की बहुत बढ़िया खिड़की है, बायो टॉयलेट लगा हुआ है, प्लस के लिए बटन है, प्लस का यूज़ ज़रूर करें प्लीज़। वॉट है, नीचे जग है और नीचे नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। ये रहा इसी ट्रेन के अंदर की सबसे ख़तरनाक जगह। बहुत सावधानी बरतना होता है इसको पार करने के लिए। कई बार लोग इतने डर जाते हैं कि लोग पार भी नहीं करते हैं, बट डर के आगे जीत है। ट्रेन रुक चुकी है जखनिया स्टेशन पे क्योंकि उधर से क्रॉसिंग है, आ रही है बनारस सिटी से चलने वाली लखनऊ को जाने वाली क्रिशक एक्सप्रेस। आप सब देख रहे हैं अभी क्रिशक एक्सप्रेस का डिपार्चर जखनिया रेलवे स्टेशन से।
DLW बनारस के चलते मानो बनारस स्टेशन पहुंचते ही वैब 5 वैब 7 लोकोमोटिव्स की बहार दिखने को मिलती है। ये देखिए अभी लगी है महानगरी एक्सप्रेस की लोकोमोटिव वैब 7 के साथ, और ये है वैब 7 ले जा रही है, देखते हैं किस कौन सी ट्रेन है। ये है इलाहाबाद सिटी हावड़ा विभूति एक्सप्रेस। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे। अभी यहाँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये है सैलून लगी हुई है इंस्पेक्शन के लिए। तो मैं निकल रहा हूँ आगे से, और एस्केलेटर अभी अभी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ओर। बहुत सुंदर नज़ारा दिखने वाला है अभी आपको बनारस रेलवे स्टेशन का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये स्टेशन रात को। अभी मैं बाहर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या लाइटिंग होती है इस स्टेशन पे। ये रहा जनरल प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल की सुंदर सा दृश्य। क्या गजब की पेंटिंग बनी है, मानो पूरा बनारस यहीं आ गया है। वाव, घाट सारनाथ विश्वनाथ मंदिर, और ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा दिख रहा है। जय हिंद। गाइस मैं पहुंच गया हूं बनारस रेलवे स्टेशन, और आप देख रहे हैं ये सुंदर सा बनारस रेलवे स्टेशन कितना बढ़िया लग रहा है रात को जगमगाती लाइट्स। वाह क्या नज़ारा है। ट्रेन का एक्सपीरियंस मैं बात करूं तो बहुत ही ठीक ठाक रहा, मतलब डबल लाइन नहीं होने से बहुत दिक्कत हुई क्रॉसिंग के चलते, ट्रेन को रुकना पड़ा और एक जगह चैन पुलिंग भी हुई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज़ चैन पुलिंग मत करें, ट्रेन में बहुत दिक्कत होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। सो सी यू सून ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बनारस रेलवे स्टेशन, टेक केयर गाइस। अभी आप बनारस आ रहे हैं तो प्लीज़ स्वेटर मफलर टोपी सब लेकर आइएगा, बहुत ठंड है, जमने वाली ठंड है। और अगर आप बनारस आते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता है काशी विश्वनाथ दर्शन करने का, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से आप साक्षात दर्शन डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, जो कि बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन पे। वाओ, जय हो श्री काशी विश्वनाथ बाबा की। टेक केयर गाइस, बाय।